उत्तर प्रदेश के बरेली में जुलूस ए मोहम्मदी के मौके पर नालियां व नालों की तली झाड़ साफ सफाई न होने के कारण जल भराव हो रहा है। मलूकपुर, जसौली, कुबरपुर आदि क्षेत्रों में जल भराव रहा। मलूकपुर की सड़क जर्जर है। जुलूस ए मोहम्मदी की अंजुमनों की वापसी इसी रास्ते से कोती आई है। जनसेवा टीम ट्रस्ट के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी ने कहा कि सुबह जरा सी बारिश ने मलूकपुर नाला रोड की गड्ढा युक्त में गंदा जलभराव हो गया। वार्ड 44 मलूकपुर की सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और 9 अक्टूबर को इसी रास्ते से दर्जन भर अजूमनों का जुलूस निकलना है और जुलूस ए मोहम्मदी की वापसी दरगाह आला हजरत से होते हुए मलूकपुर नाले की ओर से जाती है, पर सड़क जर्जर है और मरम्मत भी नहीं हुई है। नालियों में कीचड़ जमा है जिससे सड़क पर गंदा पानी भर जाता है। जनता की सहूलियत के लिए नगर निगम मलूकपुर सड़क का सर्वे कराएं और निर्माण व मरम्मत होना जरूरी है। हम नगर निगम से मांग करते हैं इस सड़क का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए। में जुलूस मोहम्मदी के जुलूस निकलेंगे, जगह जगह से हर मोहल्ले से अंजुमनें निकलेंगी जो कुलाड़ा पीर के जुलूस में शामिल होंगे। वहीं आज बारिश का मौसम हो गया, बारिश के कारण जो है मलूकपुर नाले में जलभराव हो गया। दूसरा, भूड़ इलाके में कुछ डिप टूटे हुए हैं, कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही हैं लोगों की, डिप टूटे हुए हैं, जो सड़कें हैं उस पर गड्ढे हैं, उनको गड्ढों को भी नहीं भरा गया, तो अंजुमन जो है उनके जुलूसों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे मलूकपुर नाला है, मलूकपुर नाले की पूरी तरह से सड़क भी खराब है और जलभराव हो जाता है। नालियों की सफाई नहीं हुई समय से, जिसके कारण जो है जलभराव हो गया। जरा सी बारिश हो रही है, उसके बाद भी आप मलूकपुर नाला देख सकते हैं कितना वहाँ पर पानी भरा है। वहीं सुभाष नगर से एक अंजुमन आना है तो, और मुस्तफा नगर से भी आना है अंजुमन, तो वहाँ पुलिया के नीचे भी पानी भरा भी है। तो नालियों की सफाई नहीं हुई है, दूसरा जगह जो सड़कों के गड्ढे हैं उनको नहीं भरा गया और जो डिप टूटे हुए हैं उनको भी सही नहीं किया गया। तो हम नगर निगम से मांग करते हैं, आज का समय भी है और कल का भी समय है और करीब 6 बजे के बाद जो है जुलूस मोहम्मदी शुरू होगा, तो उससे पहले ये रास्तों को दुरुस्त कर दें ताकि अंजुमनों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।